आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम लोग डे टू यानी कि रीजनिंग के लिए जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज सेकंड डे होने वाला है। और इसमें हम लोग दो सेटिंग अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे। पहला करेंगे सर्कल बेस्ड और एक करेंगे हम लोग डबल रो बेस्ड। तो इंपॉर्टेंट सेशन है, आप सभी को सेशन को कंप्लीट देखना है। ये सेशन एक्चुअली मैंने लाइव करवाया था, बट लाइव में एंड पे जाते जाते ना कुछ इश्यू आ गए थे, बट वहां पे लाइव कंप्लीट हो नहीं पाया था। इस कारण इसलिए मैं आपको ये सेशन को रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ। तो आप लोग ये सेशन को एक बार कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि जो दोनों क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ये जो सर्कल बेस्ड था ये आपका क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, और ये जो आपका डबल रो बेस्ड है ये आपका पीओ लेवल का क्वेश्चन है। तो दोनों हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, बट इससे पहले जितने भी क्लासेस हैं उनके मैंने प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर क्रिएट कर दिए हैं, तो आप वो प्लेलिस्ट से सभी के सभी क्लासेस देख लीजिएगा। एंड अगेन, एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है एग्रेड क्लासेस, उसको आप यूज कर सकते हो मॉक टेस्ट के लिए। बैंक एग्जाम्स की कैटेगरी पे जाइएगा तो आपको यहाँ पर आरआरबी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। ये जो टेस्ट सीरीज है एक्चुअली ये मिक्स टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे पीओ के भी क्वेश्चन है और यहाँ पे क्लर्क के भी क्वेश्चन है। तो आपको क्या करने हैं, टोटल 10 क्वेश्चन है, इनको मैंने ब्रेक किया हुआ है। कुछ आपको यहाँ पे पीओ के मिलेंगे और यहाँ पे क्लर्क के मिलेंगे, यानी कि 5:5 का रेशियो यहाँ पे मैंने रखा है। तो दोनों आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप लोग इसको एक बार जरूर टेस्ट को लगा लीजिएगा। पहला टेस्ट आप सभी के लिए मैंने फ्री रखा है, चलेगा। ये क्वेश्चन आप सभी के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करो यहाँ पे, और वीडियो को पॉज करने के बाद में आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। उसके बाद में आप इसका जो सॉल्यूशन है उसको भी मैच कीजिएगा। मैं अभी हिंदी लैंग्वेज को हटा रहा हूँ यहाँ से, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज लेके हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बट सभी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे ये एक सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है, 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ, जो कि एक सर्कुलर सिटिंग सर्कुलर एक टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे सेंटर की तरफ फेस करते हैं, और वो अलग अलग सिटीज से हैं, जैसे दिल्ली से, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, अलग अलग जो सिटीज हैं उनके भी नेम दिए हुए हैं, वो यहाँ से होने वाले हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। एक हमने सर्कल बनाया, लेकिन हमेशा की तरह मैं यहाँ पे दो सर्कल बना रहा हूँ, क्योंकि मैं क्या करूंगा, दो कंडीशन लेके चलूंगा, क्योंकि पहली वाली कंडीशन अगर मेरी गलत हो जाती ना तो मुझे सेकंड वाली कंडीशन पे स्विच करने पे टाइम नहीं लगेगा, मैं वहीं से सेकंड वाली कंडीशन पे चला जाऊंगा। तो टोटल 6 पर्सन बैठे हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल इस तरीके से मैं बैठा सकता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरीके से। अब देखिएगा यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है। मैंने पहले ही कह दिया है कि ये जो क्वेश्चन है ये आपका क्लर्क लेवल का क्वेश्चन है, तो ये बड़ा ही आसान होने वाला है, बिल्कुल आपको परेशान नहीं करेगा। लिखा हुआ है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हु इज फ्रॉम पुणे। ए और पुणे से जो है उसके बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि सभी का फेस इनसाइड है। तो मैंने मान लिया कि ए यहाँ पे है, तो एक पर्सन छोड़ के एक बार पुणे वाला जो पर्सन है वो यहाँ पे हो सकता है, और अगर ए यहाँ पे है तो एक पर्सन छोड़ के पुणे वाला जो पर्सन है वो यहाँ पे भी हो सकता है। यहां तक डाटा जो दिया हुआ था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर है द वन हु इज फ्रॉम मुंबई सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम पुणे। जो मुंबई से है ना वो पुणे वाले के राइट में सेकंड बैठता है। तो पुणे वाले का फेस किस तरफ है, इनसाइड है, यहाँ पे इसके राइट में सेकंड, यानी कि मुंबई वाला यहाँ पे आ जाएगा, मुंबई वाला यहाँ पे आ जाएगा। और अगर इस कंडीशन की बात करूं तो मुंबई मेरा यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक पर्सन छोड़ के राइट में सेकंड बैठा है, तो मुंबई मेरा यहाँ पे हो जाएगा। फिर ये लिखा गया है कि एफ सिट्स ऑपोजिट टू द वन हु इज फ्रॉम मुंबई। जो मुंबई से है एफ बिल्कुल उसके ऑपोजिट में बैठता है, इसका मतलब एफ मेरा यहाँ पे हो जाएगा और एफ मेरा यहाँ पे हो जाएगा। दोनों कंडीशन पे मैंने मुंबई के बिल्कुल ऑपोजिट में एफ को बिठा दिया। फिर बोला जा रहा है कि एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। एफ जो है ना वो सी के लेफ्ट में सेकंड बैठता है, तो सी के लेफ्ट में सेकंड यानी कि इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ इसको, या फिर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एफ के राइट में सेकंड कौन बैठा है, सी बैठा है। इस वाली कंडीशन से आप दोनों कंक्लूजन निकाल सकते हो ना, कि एफ के राइट में सी बैठा है और वो भी एक पर्सन छोड़ के। तो सी को आप यहाँ पे लिख सकते हो और आप सी को यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि दोनों में आप देख लीजिएगा कि सी के लेफ्ट में आपको एफ नजर आ जाएगा और एफ के राइट में आपको सी नजर आ जाएगा। तो यहां तक जो भी डाटा हमको दिया हुआ था वो हमने यहाँ पर लिख लिया। फिर ये बोला जा रहा है कि ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई एंड सी। जो चेन्नई से है और सी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है यहाँ पे। तो सी तो मेरे पास में है, लेकिन अगर एक पर्सन छोड़ के मैं बैठाता हूँ तो चेन्नई यहाँ पे भी हो सकता है, और एक पर्सन छोड़ के अगर मैं बैठाता हूँ तो चेन्नई मेरा यहाँ पे भी हो सकता है। अगर इस कंडीशन की बात करूं मैं, तो चेन्नई मेरा एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे भी हो सकता है और एक पर्सन छोड़ के चेन्नई मेरा यहाँ पे भी हो सकता है। तो कन्फर्म नहीं है, तो इसलिए मैं चेन्नई को एक बार यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ। सी तो ऑलरेडी हमारे पास में, बट चेन्नई को हम लोग नहीं लिखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे श्योर नहीं है कि चेन्नई कहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट लाइन पे ये लिखा गया है कि ई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम चेन्नई। जो भी चेन्नई से है उसके बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है।
अब आप यूज कर सकते हो चेन्नई को। मान लीजिए कि अगर मैं सी के बाद में एक पर्सन छोड़ के चेन्नई को यहाँ पे बिठाता हूँ, तो चेन्नई के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? ई बैठा हुआ है, इमीडिएट लेफ्ट में। आप यहाँ पे देख सकते हो इमीडिएट लेफ्ट में। लेकिन अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो चेन्नई का लेफ्ट कौन है? इमीडिएट यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ए आया हुआ है, इसका मतलब ई यहाँ पे नहीं आ सकता। और अगर ई यहाँ पे नहीं आ सकता तो चेन्नई भी यहाँ पे नहीं आ सकता। तो चेन्नई अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो आप कहाँ पे लिखोगे चेन्नई को? यहाँ पे लिखोगे। यहाँ पे कौन हो जाएगा? चेन्नई हो जाएगा। इसी तरीके से आप चेन्नई को ना एफ पे नहीं लिख सकते, क्योंकि इसके बिल्कुल लेफ्ट में ई नहीं आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ए लिखा हुआ है। तो चेन्नई आपका यहाँ पे आ जाएगा और चेन्नई के बिल्कुल लेफ्ट में ई मेरा यहाँ पे मुंबई पे आ जाएगा। उसके बाद में लिखा गया है कि एफ इज नॉट फ्रॉम चेन्नई। एफ जो है ना वो चेन्नई से नहीं है, लेकिन ये वाली कंडीशन पे तो एफ चेन्नई से है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगी। तो ये कंडीशन हमारी गलत हो गई। एंड डी इज नॉट फ्रॉम पुणे। डी पूना से नहीं है, तो अगर डी पूना से नहीं है तो डी को हम सिर्फ और सिर्फ चेन्नई पे लिख सकते हैं, और किसी भी कंडीशन पे हम डी को नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि बाकी सभी लोगों को हमने यहाँ पे बिठा दिया। तो बचा हुआ बी यहाँ पे आ जाएगा। डाउट यहां तक क्लियर है? फिर लिखा गया द वन हु इज फ्रॉम दिल्ली, जो दिल्ली से है, सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु इज फ्रॉम कोलकाता। वो कोलकाता के लेफ्ट में सेकंड बैठा हुआ है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो सी को आप किस पे बैठाओगे? कोलकाता पे बैठाओगे। और इसके लेफ्ट में सेकंड कौन बैठा हुआ है? इसके लेफ्ट में सेकंड बैठा हुआ है दिल्ली, जो कि एफ से है। मतलब एफ जो है वो दिल्ली से है, तो दिल्ली पे आ जाएगा आपका कौन? एफ वाला पर्सन। कोई और कंडीशन पे यहाँ पे कोलकाता को आप नहीं बैठा सकते थे, क्योंकि फिर एक पर्सन छोड़ के आप दिल्ली को नहीं बैठा पाते। मान लो कि आपने कोलकाता को यहाँ पे बैठा दिया होता ना एफ पे, तो एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे तो ऑलरेडी पूना है, और इसके लेफ्ट में बैठाना है, कोलकाता के लेफ्ट में बैठाना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी चेन्नई है, आप दिल्ली को नहीं बैठा पाते। तो इसलिए सी पे ही कौन आएगा? यहाँ पे कोलकाता। और एफ जो है वो किस पे चला जाएगा? दिल्ली पे चला जाएगा। तो ए जो है एक इस पे हो जाएगा हैदराबाद पे, जो कि हमारा रिमेनिंग वाला सिटी है। तो ये वाला पजल हमने कंप्लीट कर लिया है, क्लर्क लेवल का पजल था, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा अगर आप रखना चाहते हो तो क्वेश्चन को, और खुद से पहले एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन को। यही तरीका होता है, देखो अगर आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, या फिर मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, या फिर आप लोग इस तरीके से वीडियो सॉल्यूशन देख रहे हो, तो पहले एक बार खुद से क्वेश्चन को सॉल्व किया करो, उसके बाद में आप सॉल्यूशन को मैच किया करो। तो यहां पर भी मैं इंग्लिश लैंग्वेज लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 पीपल आर सिटिंग ऑन टू पैरेलल रोज। दो पैरेलल रो है, उसमें 10 पर्सन बैठे हैं। पहले वाली जो रो है उसके ऊपर 5 पर्सन बैठे हैं, जिनका फेस जो है ना वो साउथ की तरफ है, और जो सेकंड वाली रो है उसके ऊपर भी 5 पर्सन बैठे हैं और उनका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है। तो मैं इस तरीके से बना सकता हूँ 5 पर्सन, और इस तरीके से मैं बना सकता हूँ 5 पर्सन, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की तरफ फेस किया हुआ है। ये हमारी फर्स्ट रो है जिसका फेस साउथ की तरफ है, और ये हमारी सेकंड रो है जिसका फेस नॉर्थ की तरफ है। यहाँ पे कौन आएगा? यहाँ पे पी से लेकर टी तक के पर्सन बैठेंगे, और यहाँ पे ई से लेकर ई तक के पर्सन यहाँ पे बैठ जाएंगे। अब एज यूजुअल मैं क्या कर रहा हूँ, दो कंडीशन बना रहा हूँ, दो कंडीशन बना के मैं चल रहा हूँ, ताकि अगर गलत हो जाए कंडीशन तो मैं सेकंड पे इजिली स्विच कर जाऊँ। फिर लिखा गया है कि वो अलग अलग कलर भी पसंद करते हैं, जैसे कि पिंक, ब्लू, ब्लैक, येलो एंड ऑरेंज। टू पर्सन लाइक सेम कलर सच दैट वन ऑफ देम इज इन रो वन एंड द अदर इज इन रो टू। जो रो वन में 5 पर्सन बैठे हैं ना, उनको भी इन्हीं में से कलर पसंद होंगे, यही 5 कलर। और जो रो सेकंड में बैठे हैं उनको भी यही 5 कलर पसंद है। यानी कि पर्सन तो टोटल 10 हैं, लेकिन एक रो में 5 पर्सन है तो उनके लिए 5 कलर दे दिए, और जो दूसरा रो है उसमें भी 5 पर्सन, तो उनके लिए भी सेम 5 कलर आपको दे दिए गए। और आपका यहाँ से सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट हो जा रहा है। तो यहां से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। देखिएगा आर से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ है कि आर जो है, आर सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। एक एंड से आर सेकंड पोजीशन पे बैठता है। तो आर किस पे आएगा? रो वन पे आएगा। तो एंड से एक पर्सन छोड़ गया, यानी कि आर एक बार यहां पे हो सकता है, और हो सकता है कि आर एक बार यहां पे हो जाए। दोनों पे मैंने बना लिया। फिर लिखा हुआ है द वन हु इज सिट इमीडिएट राइट ऑफ आर फेसेस सी। जो आर के बिल्कुल राइट में बैठा हुआ है वो सी को फेस करता है। तो यहां पे आ जाएगा सी, यहां पे कौन आ जाएगा? सी। फिर लिखा गया है पी सिट्स राइट टू द टी बट नॉट इमीडिएट राइट। पी जो है ना वो टी के राइट में बैठा है। देखो टी का फेस किस तरफ होगा? इस तरफ होगा टी का फेस। तो इसका राइट किस तरफ हो जाएगा? इस तरफ हो जाएगा। यानी कि टी के राइट में कौन बैठा है? पी बैठा है, लेकिन इमीडिएट राइट में नहीं है, यानी कि बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ। ठीक है जी। फिर बोला हुआ है कि द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ टी। जो सी के लेफ्ट में पर्सन बैठे हैं, जितने भी पर्सन सी के लेफ्ट में बैठे हैं, उतने ही पर्सन टी के राइट में भी बैठे हैं। तो फर्स्ट वाली कंडीशन पे सी के लेफ्ट में कितने पर्सन है? दो पर्सन है।
तो टी के राइट में भी दो पर्सन होंगे, तो टी को आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि टी का फेस नीचे की तरफ है ना, साउथ की तरफ, तो इसके राइट में दो पर्सन होंगे। यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो सी के लेफ्ट में कोई नहीं है, तो टी के राइट में भी कोई नहीं होगा, यहाँ पे आप टी को लिखोगे। लेकिन आपने इस वाली कंडीशन पे ध्यान देना है कि टी के राइट में कौन है, पी है। इस वाली कंडीशन पे आप टी के राइट में पी को नहीं बैठा पाओगे, इसका मतलब ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। समझ गए आप लोग? क्योंकि टी के राइट में आपको जाना है, टी के राइट में तो जगह ही नहीं बची, तो आप पी को कैसे बैठाओगे? और अगर पी को नहीं बैठा पा रहे हो तो आपका ये जो पजल है, ये जो कंडीशन है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसको यहां से हटा दो, ये हमने यूज कर लिया। अब जो पी है ना, वो टी के बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ है। अगर बगल में नहीं बैठा हुआ है तो फिर पी यहाँ पे आ जाएगा। भाई टी के राइट में तो है लेकिन बिल्कुल बगल में नहीं बैठा हुआ, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, फिर लिखा गया है कि डी फेसेस द वन हु लाइक्स येलो। डी उस पर्सन को फेस करता है जिसको येलो कलर पसंद है। अब येलो कलर किसको पसंद है मुझे नहीं पता, तो इसका मैंने यहाँ पे लिख लिया इस तरीके से कि जहां पे भी येलो आ जाएगा उसके बिल्कुल सामने में डी को बैठा दूंगा। फिर लिखा हुआ है कि द वन हु लाइक्स पिंक इन रॉ वन, जो रॉ वन में पिंक को पसंद करता है। द वन हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक इन द रॉ टू। आप इस तरीके से समझिएगा, जो रॉ वन में पिंक को पसंद करता है, वो जो रॉ टू में पिंक को पसंद करता है ना, उसके लेफ्ट में सेकंड जो बैठा है उसको फेस करता है इस तरीके से। ये आपकी रॉ सेकंड है और ये आपकी रॉ वन है। रॉ सेकंड में जो आपका पिंक पसंद करता है, उसके लेफ्ट में जो सेकंड में बैठा है ना, उसको फेस कौन करता है, रॉ वन वाला पिंक, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन मैंने बना ली है, ये आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे जो भी डाटा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद में क्या लिखा गया है, उसके बाद में लिखा जा रहा है कि ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन एस एंड हु लाइक्स ऑरेंज। एस और ऑरेंज के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन बैठता है। तो मैं इस तरीके से कर सकता हूँ कि एस और ऑरेंज के बीच में एक पर्सन बैठेगा, ठीक है। अब एस के लेफ्ट में होगा या राइट में होगा हमें नहीं पता, इसलिए मैंने नॉर्मल एक पर्सन बैठाया, मैंने डायरेक्शन नहीं बनाई। फिर लिखा गया है कि द वन हु लाइक्स ब्लैक सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स पिंक इन रॉ टू। जो रॉ टू का पिंक है ना, उसके लेफ्ट में थर्ड कौन बैठा है, ब्लैक वाला बैठा है। तो देखो, लेफ्ट में सेकंड तक तो आप यहाँ पे चले जाओगे, थर्ड नंबर पे कौन आ जाएगा, ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। ये वाली कंडीशन भी दी गई थी, तो इस वाली कंडीशन को भी हमने यहाँ पे बना ली। देखिए, जो भी वैल्यू हमें दी जा रही है ना, अगर वो डेफिनेट है तो हम लोग इस डायग्राम में लिखेंगे, नहीं तो हम लोग साइड में उसको लिख लेंगे। फिर लिखा गया कि मोर देन टू पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में ना दो से ज्यादा पर्सन बैठे हैं, तो दो से ज्यादा पर्सन कितने हो सकते हैं यहाँ पे, ज्यादा से ज्यादा तीन पर्सन हो सकते हैं डी और ए के बीच में। कैसे? अगर आप ए को यहाँ पे लिखोगे ना, तो दो से ज्यादा पर्सन यानी कि एक दो और तीन आपको छोड़ने पड़ेंगे और डी आपका यहीं पे आ जाएगा। और अगर आप डी को यहाँ पे लिखोगे तो आपका ए यहाँ पे आ जाएगा, इस तरीके से। तो बीच में कितने पर्सन हो गए, तीन पर्सन हो गए, तो मैंने तीन पर्सन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिएगा उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में लिखा हुआ है कि ई डज नॉट लाइक पिंक। ई को पिंक पसंद नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखो कि ई को पिंक पसंद नहीं है। इस तरीके से आप क्या लिख दोगे कि ई को पिंक पसंद नहीं है। फिर लिखा गया है कि सी लाइक्स येलो, सी को येलो कलर पसंद है, तो आप सी के ऊपर येलो कलर लिख दोगे, सिंपल। जैसे जैसे क्वेश्चन हमें बोलता जा रहा है ना, वैसे वैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए जाएंगे। फिर बोल रहा है कि आर डज नॉट लाइक ऑरेंज एंड पिंक। आर को ऑरेंज भी पसंद नहीं है, आर को ऑरेंज भी पसंद नहीं है और आर को पिंक भी पसंद नहीं है, दोनों ही पसंद नहीं है आर को। फिर लिखा गया है कि एस फेसेस द वन हु लाइक्स ब्लू। एस किसको फेस करता है, जिसका जिसको ब्लू कलर पसंद है, इस तरीके से यहाँ पे लिख दिया मैंने। फिर लिखा गया है कि द वन हु लाइक्स येल्लो सिट्स इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के बिल्कुल लेफ्ट में कौन बैठता है, येल्लो पसंद करने वाला। तो अगर आर यहाँ पे है तो येल्लो पसंद करने वाला यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल लेफ्ट में, ठीक है। फिर लिखा गया है कि पी डज नॉट लाइक ब्लैक। पी को क्या पसंद नहीं है, ब्लैक पसंद नहीं है, ठीक है। हमने कंप्लीट हमारे पजल को रीड कर लिया है। अब हमारे पास में जो डाटा लिखा गया है, सिर्फ और सिर्फ हम उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, ये डाटा दिया गया था कि येल्लो के सामने कौन बैठा है, डी बैठा है। तो येल्लो अगर आपको मिल गया है तो आप डी को बैठा सकते हो, और अगर आपको डी मिल गया है तो डी और ए के बीच में रिलेशन दिया हुआ था कि ए यहाँ पे आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो इन दोनों को अगर मैं यूज कर चुका हूं, तो मैं दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना करेंगे, ठीक है। इन दोनों को मैंने यहाँ से हटा दिया। अब देखिए, एस का और ऑरेंज का रिलेशन हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं मुझे एस को बैठाना है, तो एस या तो यहाँ पे बैठा सकता हूँ या फिर मैं यहाँ पे एस को बैठा सकता हूँ, इस तरीके से। अगर मान लीजिए मैंने एस को यहाँ पे बिठाया है, तो एस और ऑरेंज के बीच में एक पर्सन बैठेगा, यानी कि ऑरेंज यहीं पे आ सकता है, यहीं पे तो आ सकता है ऑरेंज, क्योंकि एस के राइट में सिर्फ एक पर्सन बैठा है पी।
एक पर्सन छोड़ के ऑरेंज को आपको बैठाना है तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ऑरेंज यहीं पे आ सकता है, लेकिन आर को ना ऑरेंज पसंद नहीं है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ना, आर को ऑरेंज भी पसंद नहीं है और आर को पिंक भी पसंद नहीं है, तो इसका मतलब एस जो है वो यहाँ पे नहीं आ सकता। तो एस को आप यहां से हटा दोगे तो एस कहाँ पे आ जाएगा आपका, एस आपका आ जाएगा बिल्कुल येल्लो वाले पे। एस यहाँ पे आ जाएगा तो आपका ऑरेंज कहाँ पे आ जाएगा, टी पे आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, तो दोनों कंडीशन हमारी बन गई है। तो इनको भी हम लोग हटा देते हैं कि एस और ऑरेंज के बीच में कितने पर्सन है, एक पर्सन है। अब आप एक और चीज देखो, यहाँ पे कौन बचा है, क्यू बचा है, तो आप क्यू को यहाँ पे लिख सकते हो। अब देखोगे कि ये रॉ वन का पिंक है और ये रॉ टू का पिंक है, ठीक है, रॉ वन का और रॉ टू का। उससे पहले आप ये चीज देख लो कि एस जो है ना वो ब्लू को फेस करता है, तो ब्लू यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको भी आप हटा दो। जो भी आपको डाटा दिया गया है ना उसको बस यूज करते जाओ, जैसे उसका काम हो जाए उसको हटा दो ताकि वो कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। अब देखिए रो वन का पिंक है और ये रो टू का पिंक है, तो अगर मैं पिंक को यहां पे लिखूंगा तो दो पर्सन छोड़ के ब्लैक मेरा यहां पे आ जाएगा। अब तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। और पिंक के लेफ्ट में जो सेकंड है ना, यानी कि ये वाला पर्सन, ये किसको फेस करेगा, पिंक वाले को फेस करेगा, तो यहां पे कौन आ जाएगा, पिंक आ जाएगा, ठीक है। कोई डाउट नहीं है यहां पे पिंक आ जाएगा। अब उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में ये लिखा गया है कि ई को ना पिंक पसंद नहीं है। अगर ई को पिंक पसंद नहीं है तो ई मेरा इस वाली कंडीशन पे नहीं आ सकता, तो ई मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और अगर ई यहाँ पे आ गया तो बचा हुआ बी मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो पांचों पर्सन फर्स्ट रो के भी आ गए हैं और सेकंड रो के भी आ गए हैं। जो डाटा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है उसको यहाँ से हटा दो, किसी काम का नहीं है हमारा डाटा, तो इन सबको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब एक और चीज ध्यान से समझिएगा, अब यहाँ पे क्या लिखा गया था कि आर को क्या क्या पसंद नहीं है, ऑरेंज पसंद नहीं है और पिंक पसंद नहीं है, और पी को ब्लैक पसंद नहीं है। तो अगर ब्लैक पी पे नहीं आएगा ना तो ब्लैक यहाँ पे आ सकता है, और अगर ब्लैक यहाँ पे आ गया तो ब्लू यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे वाले में सिर्फ और सिर्फ एक कलर बचा है ऑरेंज, ऑरेंज को आप यहाँ पे लिख दोगे। और आपका जो यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट था ना वो कंप्लीट हो गया, इस तरीके से यहाँ पे लिखा गया सब कुछ, देख सकते हो आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लगा लीजिएगा। ये आपका एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन था ये आपका पीओ लेवल का क्वेश्चन था, पीओ में इसी लेवल के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो मैंने दोनों आपको करवा दिए हैं। जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस होंगी उनको भी आप लोग देखिएगा, सभी की सभी क्लासेस बहुत ही अच्छे तरीके से रन कर रही है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।